किसान आंदोलन को लेकर के प्रत्येक आम जनमानस, यहां तक के गांव में रहने वाले ग्रामीण लोगों से लेकर के शहर में पढ़े लिखे लोग भी किसान आंदोलन को लेकर के चर्चारत नजर आ रहे हैं। अवसर नए वर्ष का था, बावजूद उसके हाईलाइट रहा किसान आंदोलन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच छह दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 4 जनवरी को प्रस्तावित 7वें दौर की वार्ता है, जिसमें किसान नेताओं के बयान आए हैं कि सरकार ने हमारी 2 प्रमुख मांगों को मान लिया है और अब सरकार सकारात्मक नजर आ रही है, बाकी मांगों पर सकारात्मकता के साथ सरकार विचार करने को राजी है। मैं आपको एक बार बता दूं कि इस तरह के आंदोलन जो इतना लंबा चलते हैं, अनुशासित आंदोलन रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, पूरी तरह से जो आंदोलनरत किसान थे वो अनुशासित नजर आए, बावजूद उसके दिल्ली के चारों तरफ से बैठे इन किसानों के कारण जो लघु उद्योग थे, छोटे व्यापारी थे, उनको लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। अब केवल केवल इस बात पर निगाहें टिकी हैं कि यह जो किसान आंदोलन जिस मुद्दे पर किया गया था, जी हाँ गौर करिए, जिस मुद्दे पर यह किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी वो मुद्दा MSP से शुरू हुआ था। MSP पर लिखित गारंटी की मांग को लेकर के पंजाब से किसानों ने कूच किया दिल्ली की तरफ। रास्ते में उनके किसान नेताओं द्वारा एक ही मांग की जाती रही थी कि MSP पर सरकार लिखित गारंटी दे। हरियाणा सरकार में बैठे तमाम मंत्री और तमाम नुमाइंदों की तरफ से, यहां तक कि गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से लगातार मीडिया में यह बयान आता रहा कि सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। यदि मंडी व्यवस्था और MSP खत्म होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। यहां तक कि दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का यह मानना था कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले वो सरकार का साथ छोड़ देंगे, ऐसी खबरें भी मीडिया में आई। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, आंदोलन का स्वरूप बढ़ता गया, आंदोलन को समर्थन मिलता गया, लाखों की संख्या में लोग जुटने लगे, किसान नेताओं की बैठकें होने लगी और 40 किसान संगठन अस्तित्व में आए जिनसे सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई। मामला MSP से शुरू हुआ और अब जो मामला है वो है 3 कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लिया जाए। जी हाँ, यह जो एक विषय है, शुरुआत MSP से होकर के और अब जब कहा यह जा रहा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। रोहतक में एक प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री यह बयान देते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह अपील करते हैं कि वो इन 3 कानूनों के अलावा एक कानून और ले आए और उसमें एक लाइन और जोड़ दी जाए कि MSP पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब जब ये बातें बार बार मीडिया की आप जो पुरानी कवरेज है वो देखेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री का तमाम जो बयान है वो मीडिया में मौजूद है। मांग MSP को की गई थी, मंडी व्यवस्था से छेड़छाड़ ना करने की गई थी। अब जब लास्ट में यह आंदोलन अपने पूरे प्रखर रूप पे था तो उसमें 3 कानूनों को वापस लेने की मांग कर दी गई। यह जो मांग है, जी हाँ, प्रश्न यही उठता है किसानों के हित में है नहीं है, इस बात का किसी को नहीं पता है। ना तो किसी ने पूरी तरह से इस बिल के प्रारूप को पढ़ा है, ना अभी तक इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है। मजे की बात यह है कि किसान जिस आंदोलन पर बैठे हुए हैं, जिन बिलों के विरोध में बैठे हुए हैं, वो बिल अभी तक लागू ही नहीं हुए हैं। उनके फायदे और नुकसान का आकलन महज अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत, अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के तहत प्रत्येक व्यक्ति उस बिल का आकलन और विश्लेषण करने में लगा है। विपक्ष को लगता है कि सरकार यह बिल गलत लेकर के आई है, जबकि सरकार बार बार दावे करती नजर आई है कि यह बिल किसान के हित में है। राजनीति कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी राजनीति कर रहा है। कुछ दिनों बाद जैसे ही यह आंदोलन समाप्त होगा, किसान अपने घर चले जाएंगे, सत्ता पक्ष वाले सत्ता में रहेंगे, विपक्ष कोई नया गेम ढूंढेंगे, विपक्ष कोई नया मुद्दा लेकर के आएंगे, क्योंकि एक जागरूक विपक्ष का काम है कि सरकार के कार्यों का विरोध करना और सरकार का काम है नए नए कानून लेके आना। ठगे से कौन रहेंगे? ठगे से वो रहेंगे जिनके बेटों ने, जिनके भाइयों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा दी है। वो लोग जो इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आए हैं, वो लोग जो इस आंदोलन में दिन रात सर्दी में डटे रहे हैं, वो अपने किसान नेताओं के एक आश्वासन के बाद अपने घर चले जाएंगे या
उनके द्वारा कुछ दिन और सड़कों पर बैठे रहेंगे। किसको क्या मिलेगा यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। राजनीति नहीं की जानी चाहिए, भोले भाले किसानों को नहीं बरगलाना चाहिए। यदि यह बिल वास्तव में विरोध में है तो विपक्ष को आगे ना आना चाहिए, किसानों को ढाल नहीं बनानी चाहिए, विपक्ष के एमएलए को आना चाहिए, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को आना चाहिए, विपक्ष के नेताओं को सड़क पर बैठना चाहिए। किसानों को सड़क पर नहीं बैठना चाहिए, किसानों को अपना काम करना चाहिए। जब विपक्ष इतना सजग है, जब विपक्ष ये दावे करता है कि हम किसानों के हित में खड़े हैं, तो क्यों नहीं आपके तमाम विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे देते, क्यों नहीं आपके विपक्ष के तमाम विधायक सड़कों पर सोते, क्यों नहीं आपके तमाम विधायक और आपके कार्यकर्ता जो गांव में झंडे लगा करके कार में घूमते हैं वो क्यों नहीं रोडों पर बैठते। किसान को अपना काम करने दो ना, किसान को अपनी जीवन यापन करने दो ना, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रहे हो, क्यों सरकार किसानों को बरगला रही है। यदि ये कानून किसानों के विरोध में है तो जनता बख्शेगी नहीं। आप 4 साल और राज कर सकते हैं, आपका बहुमत है, इसी जनता ने आपको 300 सीटें दी हैं, इसी जनता ने आपको संसद भवन में बिठाया है। अगर ये काले कानून जो कह रहे हैं कि काले है कानून, अगर ये कानून लागू होने के बाद पता चलेगा, अगर ये कानून किसानों के विरोध में है तो अगली बार कुर्सी आपको भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं तो जितना मैंने ये समझा है, जितना मैंने देखा है, मैंने आंदोलनों को करीब से देखा है, हरदम देखा है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सरकार अपनी जिद पर ना आए और विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश ना करे। सरकार का काम है सरकार चलाना, विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध विपक्ष करे, किसानों के जरिए अपना विरोध ना करे। धन्यवाद।